हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल। फ्रेंड्स, बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज के लेशन में हम जानेंगे कूलिंग सिस्टम के बारे में कि कूलिंग सिस्टम इंजन में कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कूलिंग सिस्टम का यूज हम क्यों करते हैं इंजन में। देखिए, आपको पता होगा कि कंबशन चैम्बर में जब हम फ्यूल का बर्निंग होता है, कंबशन चैम्बर में जब फ्यूल जब बर्न होता है, उस समय में क्या होता है, काफी हीट होता है। फ्यूल बर्न होता है तो हीट ज्यादा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इंजन ज्यादा ही ओवर हीट होता है। तो ओवर हीट होने से क्या होगा कि उसके अंदर का जो इंजन के अंदर का जितना भी मूविंग पार्ट्स है वो क्या होगा, टूट जाएगा या मेल्ट कर जाएगा या सीज करेगा और इंजन अच्छा से काम नहीं करेगा। तो ओवर हीट को कम करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं किसी भी इंजन में। दूसरा फैक्ट ये भी होता है, कि किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि कभी भी अगर कहीं हम जाते हैं, बाइक है या कोई भी व्हीकल है, और काफी अगर ठंडा जगह है, बिल्कुल ठंडा है, तो वो स्टार्टिंग में दिक्कत करता है, मतलब स्टार्ट नहीं हो पाता है इंजन। तो उस इंजन को स्टार्टिंग करने के लिए एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर का मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो उस ऑपरेटिंग टेम्परेचर को मेंटेन करता है कूलिंग सिस्टम के, कूलिंग सिस्टम ही ऑपरेटिंग टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो क्लियर है फ्रेंड्स, कूलिंग सिस्टम का हम इंजन को ओवरहीट होने से बचाते हैं। दूसरा, इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन करने का भी काम कूलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम से ही किया जाता है। क्लियर है। अब आइए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोटिव सेक्टर में हम लोग कूलिंग सिस्टम का, ज्यादातर कूलिंग सिस्टम दो तरह का यूज करते हैं। मतलब कि पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेनली कूलिंग सिस्टम दो टाइप्स का होता है जिसका हम यूज करते हैं इंजन में। पहला होता है एयर कूलिंग सिस्टम, दूसरा वाटर कूलिंग सिस्टम। आज के लेशन में हम जानेंगे एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में कि एयर कूलिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, एयर कूलिंग सिस्टम जो होता है वो जनरली छोटे इंजनों में यूज किया जाता है, जैसे कि बाइक हो गया, जनरली बाइक में, टू व्हीलर वगैरह, इस सब में हम लोग एयर कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए हम डिटेल जानते हैं कि एयर कूलिंग सिस्टम किस कैसे काम करता है, उसके बारे में डिटेल हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेशन में टॉपिक है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग दैट मीन्स कूल, मतलब ठंडा करना। तो कूलिंग सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मोस्टली टू टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम मेनली दो टाइप का कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। पहला एयर कूलिंग सिस्टम, दूसरा वाटर कूलिंग सिस्टम। अभी यहां आइए, एयर दैट मींस हवा, वाटर मतलब पानी। एयर कूलिंग सिस्टम में, मेन रोल एयर का होता है, हवा का, ठीक है। वाटर कूलिंग सिस्टम में लिक्विड का होता है, वाटर का होता है। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे एयर कूलिंग सिस्टम, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए, यूजेस ऑफ कूलिंग सिस्टम इन ए इंजन। हम लोग किसी भी इंजन में जो कूलिंग सिस्टम का यूज क्यों करते हैं, मेनली इसका दो रीजन होता है। पहला, इट रिमूव्स एक्सेस हीट फ्रॉम द इंजन। यह जो है इंजन का जो काफी हीट जो होता है उसको रिमूव करता है, हटाता है, मतलब इंजन के हीट, दैट मींस ओवर हीट होने से बचाता है कूलिंग सिस्टम। इंजन को ज्यादा गर्म, कंबशन चैम्बर क्या होता है कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि किस तरह से काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोल इंजन। तो होता क्या है कि फ्यूल का बर्निंग कब होता है, पावर स्ट्रोक में। पावर स्ट्रोक में कितना हीट रहता है, डीजल इंजन में कंप्रेस रहता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाती है, मतलब टॉप डेड सेंटर से, मतलब बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी, टॉप डेड सेंटर जाती है। और क्या होता है, पावर स्ट्रोक में दोनों वाल्व अपना बंद होता है और एयर को कंप्रेस किया जाता है, क्योंकि इनलेट वाल्व से एयर आता है सिलेंडर के अंदर और एग्जॉस्ट और पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की ओर जाती है। और उस कंबशन चैम्बर में क्या होता है, एयर को जो काफी कंप्रेस किया जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक में,
उसी उसके बाद कंप्रेसर, ठीक कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने के बाद पावर स्ट्रोक स्टार्ट होता है। पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि डीजल इंजन में इंजेक्टर से स्प्रे करते हैं, डीजल इंजन में क्या करते हैं, इंजेक्टर स्प्रे करता है फ्यूल का, और फ्यूल बर्न होता है पावर स्ट्रोक में। वो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, इतना एक्सेसिव हीट होता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है उसमें कि इंजन को अगर कूलिंग सिस्टम अगर नहीं दिया जाए तो इंजन ब्लास्ट भी कर सकता है। दैट मींस पूरा अंदर का जितना भी मूविंग पार्ट्स है वो सब डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। तो उसी एक्सेसिव हीट को, उसी एक्सट्रीमली हीट को, उसी टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। पहला एडवांटेज, पहला यूज है कि इट रिमूव्स एक्सेस हीट फ्रॉम द इंजन, इंजन के अंदर के एक्सेस हीट को कम करने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं, क्लियर है। सेकंड क्या होता है, इट मेंटेन द इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इट मेंटेन द इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। फ्रेंड्स आपको बता दें कि कोई भी इंजन स्टार्ट होता है तो उसको, उस इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक टेम्परेचर का होना जरूरी है। इंजन को एकदम बिल्कुल ठंडा, जैसे कि क्या होता है कि विंटर के टाइम में हम लोग बाइक, आप लोग भी बाइक यूज करते होंगे, विंटर के टाइम में क्या होता है कि ठंडा जगह पे ठंडा समय में मॉर्निंग में जो बाइक को स्टार्ट वगैरह करते हैं तो जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि उस इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक हीट का भी होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो इंजन स्टार्ट होगा। तो उसी ऑपरेटिंग इंजन टेम्परेचर को वो मेंटेन करता है, दैट मींस इट मेंटेन द इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। इसका भी काम हम लोग कूलिंग सिस्टम के, कूलिंग सिस्टम से ही होता है, दैट मींस यूजेस ऑफ द कूलिंग सिस्टम इन द इंजन, इंजन में जो कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं वो, पहला इट रिमूव्स एक्सेस हीट फ्रॉम द इंजन, इंजन से एक्सेस हीट को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। दूसरा इट मेंटेन द इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यह जो है इंजन का जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है, जो ऑपरेट करने का जो टेम्परेचर, दैट मींस ऑपरेटिंग टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है, कूलिंग सिस्टम का यूज हम इसलिए करते हैं। अब आइए एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में समझते हैं। देखिए एयर कूलिंग सिस्टम नाम से क्लियर है, एयर मतलब हवा, दैट मींस हवा का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, समझते हैं कैसे। देखिए एयर कूल्ड इंजन रिमूव इंजन हीट By using the air that hits the engine when the bike is moving, आपको बता दिए हैं कि जो एयर कूलिंग सिस्टम जो है जनरली हम लोग टू व्हीलर में यूज करते हैं, और ये देखिए जैसे कि टू व्हीलर बाइक जो रन करता है तो मूव करते समय में क्या होता है, हवा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है ब्लॉक से, हेड से, और हेड जो है, ये देखिए ये डायग्राम को समझिए, पहले इस डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। ये देखिए टू व्हीलर का, ये मतलब एयर कूलिंग सिस्टम का फिगर डायग्राम है, इसको समझते हैं। ये जो देख रहे हैं ये बीच वाला पार्ट्स, इस पार्ट्स को हम बोलते हैं सिलेंडर, और ये जो देख रहे हैं ना ये, इसको बोलते हैं फिन्स, और यहाँ ये वाल्व पैसेज है, इसमें इनलेट और आउटलेट वाल्व रहता है, ठीक है। तो बाइक जब मूव करती है तो क्या होता है कि हवा का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है फिन्स से, इसी फिन्स से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जिससे कूल होता है, मतलब कि इंजन एयर कूलिंग सिस्टम में, एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, एयर कूल्ड इंजन रिमूव द इंजन हीट बाय यूजिंग द एयर दैट हीट्स द इंजन व्हेन द बाइक इज मूविंग। जब बाइक मूव करता है तो डायरेक्ट उसका जो फिन्स का जो कॉन्टेक्ट है ना वो हवा से आता है, जिससे क्या होता है कि इंजन को कूल करता है, ये एयर कूलिंग सिस्टम। अब आप आइए, अब हम जानते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम डिपेंड्स, एयर कूलिंग सिस्टम का जो एफिशिएंसी है वो किन किन फैक्टर, किन किन पॉइंट पे डिपेंड करता है। पहला आइए जानते हैं एरिया ऑफ फिन्स, फिन्स का एरिया पे डिपेंड करता है बेटर एफिशिएंसी ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम, एरिया ऑफ फिन्स पे डिपेंड करता है, एरिया अगर जितना रहेगा उतना कूलिंग सिस्टम ज्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है, एरिया ऑफ फिन्स, ठीक। सेकंड आइए द स्पीड एंड क्वांटिटी ऑफ एयर टचिंग द फिन्स, कितना स्पीड से बाइक मूव कर रहा है और कितना क्वांटिटी इसके फिन्स से टच कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है एफिशिएंसी कूलिंग सिस्टम का। द स्पीड एंड क्वांटिटी ऑफ एयर टचिंग द फिन्स, फिन्स को कितना स्पीड से गाड़ी चल रही है, स्वाभाविक है कि अगर गाड़ी जितना स्पीड चलेगा उतना ज्यादा वो
हवा का संपर्क में आएगा इसका फिन्स, जिससे क्या होगा कूलिंग बेटर होगा, और अगर स्लो होगा तो थोड़ा सा हवा से कम संपर्क में रहेगा तो कूलिंग थोड़ा कम होगा। क्लियर है? तो ये डिपेंड करता है द स्पीड एंड द क्वांटिटी ऑफ एयर टचिंग द फिन्स, इसके फिन्स को टच करने पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला एरिया ऑफ फिन्स और सेकेंड द स्पीड एंड क्वांटिटी ऑफ एयर टचिंग द फिन्स। तीसरा पॉइंट है द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल यूज फॉर सिलेंडर हेड एंड ब्लॉक। हीट का कंडक्टिविटी ऑफ मेटल यूज फॉर सिलेंडर हेड एंड ब्लॉक, कंडक्टिविटी पे भी, मेटल के कंडक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है तीसरे नंबर पे। अभी ये नोट पे समझ लीजिए, द ब्लॉक आर यूजली मेड ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय, एज एल्यूमिनियम एलॉय इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम एलॉय का यूज हम ब्लॉक में करते हैं। ये जो सिलेंडर ब्लॉक है ना टू व्हीलर का, इसका जो सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक जो बनता है इस मॉडल मेटल का, तो एल्यूमिनियम एलॉय का, ये एल्यूमिनियम एलॉय का क्वांटिटी, इस मेटल का क्वांटिटी प्रॉपर्टीज ये होता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दिस इज एल्यूमिनियम एलॉय इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का जो है हीट को कम करने का बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर है, मेटल है। ठीक है, एंड सिलेंडर लाइनर ऑफ कास्ट आयरन आर प्रेस्ड इनटू द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो लाइनर को फिट करते हैं ना वो कास्ट आयरन का बना होता है। तो ये जो होता है ना एल्यूमिनियम एलॉय, ये इज अ गुड कंडक्टर, ये अच्छा कंडक्टर है ऑफ हीट, हीट को एब्जॉर्ब करने का अच्छा ये कंडक्टर है। क्लियर है? ये तीन पॉइंट्स डिपेंड करता है एफिशिएंसी ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम पे तीन पॉइंट्स मेनली डिपेंड करता है जिससे कि एयर कूलिंग सिस्टम काफी अच्छा से वर्क करे, एफिशिएंसी उसका ज्यादा अच्छा। पहला एयर ऑफ फिन्स, एरिया ऑफ फिन्स। सेकंड द स्पीड एंड क्वांटिटी ऑफ एयर टचिंग द फिन्स। क्लियर है? तीसरा द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल यूज्ड फॉर सिलेंडर हेड एंड ब्लॉक। The block are usually made of aluminium alloy, as aluminium alloy is a good conductor of heat, and cylinder liner of cast iron, and the cylinder liner of the cast iron are placed fitted into cylinder. Clear? तो समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं air cooling system को remind कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। चलिए start करते हैं। कूलिंग सिस्टम अपने ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कूलिंग सिस्टम मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एयर कूलिंग सिस्टम, दूसरा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम जो है यूजेस ऑफ कूलिंग सिस्टम इन इंजन। हम लोग पहले तो कूलिंग सिस्टम का यूज क्यों करते हैं? इट रिमूव्स एक्सेस हीट फ्रॉम द इंजन। क्लियर है? इंजन को ज्यादा अधिक गर्म नहीं होने देता है ये कूलिंग सिस्टम, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा, सेकंड, इट मेंटेन द इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यह इंजन के ऑपरेटिंग टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है होल कूलिंग सिस्टम। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में मेनली दो टाइप के कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। पहला एयर कूलिंग सिस्टम, दूसरा वाटर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में देखिए, एयर कूल्ड इंजन रिमूव इंजन हीट बाय यूजिंग द एयर दैट हीट्स द इंजन वेयर द बाइक इज मूविंग। ये डिपेंड करता है कितना ये जो फिन्स जो है, जो बाइक जब मूव करता है तो इसका फिन्स कितना हवा के संपर्क में आए उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना वो स्पीड से गाड़ी चलेगी, बाइक जाएगी और हवा का संपर्क अगर इस फिन से होगा उतना ज्यादा वो कूल होगा, ठंडा होगा। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द कूलिंग सिस्टम डिपेंड्स तीन पॉइंट पे डिपेंड करता है एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम का डिपेंड एफिशिएंसी तीन पॉइंट पर डिपेंड करता है। पहला होता है एरिया ऑफ फिन्स, उसके एरिया, फिन्स के एरिया, ये जो सिलेंडर है, क्लियर है? ये सिलेंडर ब्लॉक है ना, और अंदर का जो ये स्पेस है ये सिलेंडर है, इसी पे पिस्टन वगैरह मूव करता है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये वाल्व का पैसेज है, ये इनलेट वाल्व और ये एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक, और ये जो देख रहे हैं इसको फिन्स बोलते हैं, ये जो देख रहा है ना ये ऊपर का जैसा, ये सब फिन्स है। ठीक, तो एरिया ऑफ फिन्स पर डिपेंड करता है। दूसरा, द स्पीड एंड क्वांटिटी ऑफ एयर टचिंग द फिन्स, कितने स्पीड से, कितना स्पीड और कितनी क्वांटिटी में हवा इस फिन्स को टच कर रहा है उस पर डिपेंड करता है।
ठीक है, उतना ज्यादा बेटर एफिशिएंसी, मतलब कूलिंग का एफिशिएंसी उतना ज्यादा अच्छा होगा एयर कूलिंग सिस्टम, ठीक है, अगर क्वांटिटी और स्पीड अगर जितना अच्छा ज्यादा ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है। तीसरा, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल यूज्ड बाय यूज्ड फॉर सिलेंडर हेड एंड ब्लॉक, क्लियर है। ये तीन पॉइंट्स हैं जो कि एफिशिएंसी ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम डिपेंड्स करता है, तीन पॉइंट। ये याद रखिए कि अपना जो सिलेंडर सिलेंडर जो ब्लॉक होता है ना, वो एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है, और ये एल्युमिनियम एलॉय का क्या प्रॉपर्टीज होता है, इस मेटल का प्रॉपर्टीज ये होता है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट को कम करने का अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। द ब्लॉक आर यूजली मेड ऑफ एल्युमिनियम एलॉय, एज एल्युमिनियम एलॉय इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड सिलेंडर लाइनर ऑफ कास्ट आयरन आर प्रेस्ड फिटेड इन टू सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर के अंदर जो हम प्रेस करते हैं ना सिलेंडर लाइनर, वो कास्ट आयरन का बना होता है। तो क्लियर है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा एयर कूलिंग सिस्टम। देखिए, एयर कूलिंग सिस्टम जनरली छोटे इंजनों में यूज होता है, जनरली ज्यादातर टू व्हीलर में, बाइक वगैरह में, यामा मतलब टू व्हीलर जो भी यूज करते हैं उसमें हम लोग एयर कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं, और बाकी बड़े इंजन में जैसे कि फोर व्हीलर हो गया, कार हो गया, है ना, उस सब में हम वाटर कूलिंग सिस्टम भी यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। उम्मीद है कि एयर कूलिंग सिस्टम समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।